हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। आजकल ड्रोन्स देश की सिक्योरिटी और इंडस्ट्री के लिए वाइटल है। ड्रोन सर्वेलेंस से लेकर डिलीवरीज तक कई काम करते हैं। इससे टाइम, मनी और मैन पावर भी बचता है। इसमें इन्वेस्ट करके कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं और स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए इस वीडियो में ड्रोन स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। सबसे पहले बात करते हैं रतन इंडिया ग्रुप की कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। इसकी एक होल्ली ओन सब्सिडरी है न्यू स्काई इंडिया, जो दो तरीकों से ड्रोन्स बाजार में देती है, ड्रोन एज अ प्रोडक्ट और ड्रोन एज अ सर्विस। इसके साथ न्यू स्काई इंडिया की एक सब्सिडरी भी है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स, जो कि डिफेंस और डिलीवरी ड्रोन्स की एक बड़ी कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप करीब 7056 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 68.75 रुपीस और लो 32.05 रुपीस है। इसका TTM EPS 0.80 रुपीस, PE 63.69 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 650% और 5 साल में करीब 1468%। सो व्हाई हैव वी चोजन रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। कंपनी के FY24 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में FY23 के क्वार्टर 1 के मुकाबले में करीब 182 का इंक्रीज हुआ है। इसी दौरान रेवेन्यू में भी करीब 112% की बढ़त हुई है। मई 2023 में कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपीस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए रेज करने की मंजूरी भी दे दी है। और जनवरी 2023 में कंपनी ने रिवोल्ट मोटर्स, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कंपनी है, उसे भी खरीद लिया है। अब हम बात करेंगे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जो कि एयरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। नेक्स्ट अप इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट लिस्ट में ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस, ड्रोन डिलीवरी मेल बॉक्सेस, काउंटर ड्रोन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 96,855 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 147.20 रुपीस और लो 87 रुपीस है। इसका TTM EPS 4.32 रुपीस, PE 30.72, ROE 21.53% और डिविडेंड यील्ड 1.36% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 330% और 5 साल में करीब 357%। सो व्हाई हैव वी चोजन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मार्च 2023 में कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 5,498 करोड़ रुपीस के कुल 10 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसमें ये आर्मी और नेवी के लिए इक्विपमेंट बनाएंगे। FY23 में कंपनी का टर्नओवर 17,300 करोड़ रुपीस का था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि FY24 के अंत तक 20,300 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट वी हैव DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो 1889 में शुरू हुई थी। ये कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स, शुगर, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल फाइबर्स बनाती है। इस कंपनी के दो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, DCM त्रिशूल और DCM कैलाश, जो कि सर्वेलेंस और हैवी लिफ्टिंग में काम आते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1050 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 155.60 रुपीस है और लो 58.90 रुपीस है। इसका TTM EPS 8.15 रुपीस, PE 14.79, ROE 8.39% और डिविडेंड यील्ड 0.83% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 252% और 5 साल में करीब 220%। सो व्हाई हैव वी चोजन DCM? क्योंकि इनके पास कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड इवन CRPF। नेक्स्ट अप वी हैव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1964 में शुरू हुई। मई 2023 में नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की होली ओन सब्सिडरी है, उसने गरुड़ एरोस्पेस के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें ये एडवांस्ड प्रिसीजन ड्रोन्स बनाने वाले हैं और पहले साल में ये कंपनी 5,000 ड्रोन्स बनाने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,23,352 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2,090 रुपीस और लो 1,150 रुपीस है। इसका TTM EPS 90.04 रुपीस, PE 20.49, ROE 24.72% और डिविडेंड यील्ड 1.49% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 414% और 5 साल में करीब 390%। सो वाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स?
FY22 के क्वार्टर वन में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 30% और रेवेन्यू में 8% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई है। इस कंपनी ने जून 2023 में US की एक बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील साइन की है, जिसमें ये इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन बनाएगी। इस डील की कुल वर्थ $1 बिलियन की मानी जा रही है और इससे हाल को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन ड्रोन स्टॉक्स का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो आप भी इन ड्रोन स्टॉक्स को अपने रेडार पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इन स्टॉक्स में से आपको कौन से स्टॉक्स सबसे इंटरेस्टिंग लगे हमें कमेंट सेक्शन में